तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला पर ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के बारे में, जो यहाँ पर 2021-2022 में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसका आवेदन कब से शुरू हुआ है और कब तक इसका लास्ट डेट है, इसमें मैट्रिक पास आवेदन कर सकते हैं और उसमें साथ में क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, और कुल पोस्ट जो यहाँ पर 38,926 दिखाया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती, इसके लिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे कैसे इसका भर्ती होगा, कौन सी स्टेट में कितना सीट है और कितने ज़िले में कितने सीट है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और तो इसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक डाउनलोड किया हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन, इसका यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर लिखा गया है नोटिफिकेशन फॉर द इंगेज ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक। यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इलिजिबल कैंडिडेट टू एंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट, यहाँ पर GDS का है और BPM का और ABPM का डाक सेवा के लिए। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ओनली इस वाले वेबसाइट पर, एप्लीकेशन इस वाले वेबसाइट पर सबमिट करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएँ कि यहाँ पर जो इंगेज शेड्यूल और अंडर यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन सबमिटेड का डेट कब से है, यानी कि 2 मई 2022 से, यानी कि 2/5/2022 से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन और यहाँ पर लास्ट डेट इसका 5/6/2022 तक है, यानी कि जून तक इसका लास्ट डेट है, 5 जून तक इसका अंतिम तिथि है। साथ में यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर दिखाया गया है कौन सी कैटेगरी में कितना पेमेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर BPM होंगे तो यहाँ पर 12,000 रुपये पेमेंट मिलेगा, और जिनका ABPM और डाक सेवक होंगे उनके लिए यहाँ पर 10,000 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात किया गया है, यानी कि शैक्षिक योग्यता, तो यहाँ पर कम से कम आपको एज होना चाहिए, एज 18 साल कम से कम और मैक्सिमम एज आपको 40 साल होना चाहिए। साथ में यहाँ पर दिया गया कि एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिटेड ऑफ एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन पर जो डेट दिया गया है उस डेट के अनुसार ही आपको जो भी प्रक्रिया करना है सबमिट करने के लिए तो करना होगा। यहाँ पर आप साथ में नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर कैटेगरी, जैसे कि SC ST होंगे तो उसके लिए 5 साल यहाँ पर रिलैक्सेशन यानी कि छूट दिया जाएगा, और जो OBC कैटेगरी के होंगे उनको 3 साल, और यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट वाले जो होंगे उनके लिए कोई छूट नहीं दिया जाएगा। जो PWD होंगे यानी कि जो विकलांग वगैरह होंगे, और विकलांग में OBC होंगे तो, और विकलांग में SC ST के लिए होंगे तो यहाँ पर SC ST के लिए 15 साल और OBC के लिए 13 साल, और जो केवल विकलांग होंगे किसी भी कैटेगरी का तो यहाँ पर 10 साल उनको लिए छूट दिया जाएगा एज में। साथ में उसका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर रीड कर सकते हैं, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाया गया है ये वाला नोटिफिकेशन पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। एज के लिए आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया था ये वाला नोटिफिकेशन एज के लिए है। अब यहाँ पर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, यानी कम से कम आपको 10वां पास होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कम से कम आपको 10वीं पास आपको होना चाहिए। साथ में पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक और इंग्लिश होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश नहीं होगा इसमें तो आपको नंबर नहीं होगा, तो आपको सिलेक्शन का उम्मीद कम रहेगा, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश ज़रूरी है। बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया शैल बी एट द मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूवल कैटेगरी ऑफ GDS। साथ में कंपलसरी यहाँ पर लैंग्वेज आपके क्या होना चाहिए, भाषा, जैसे यहाँ पर लिखा द कैंडिडेट शुड हैव बीन स्टडी एट द लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी किए होंगे जिस स्टेट से तो उनका वहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपको उनको मालूम होना चाहिए 10वीं के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया 7वां नंबर में नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। अब मेथड ऑफ सबमिटर ऑफ एप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि सबमिट जब डेट ये एप्लीकेशन करेंगे तो आपको पेमेंट कितना लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ फी ऑफ RS 100 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगेगा टू बी पेड द एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट नोटिफिकेशन, यानी कि जितने भी पोस्ट है उन सभी के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। हाउ एवर पेमेंट ऑफ द एग्जाम्पल्ड ऑल फीमेल कैंडिडेट SC ST PWD कैंडिडेट एंड ट्रांस वोमेन कैंडिडेट, यानी सभी कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये पेमेंट यहाँ पर देना होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो।
अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर जनरली रूप से जो मिनिमल रूप से यहाँ पर जो डिटेल लगने वाले हैं, जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, दसवीं के मैट्रिक मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार उनके पिता का नाम, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कम्युनिटी यानी कि यहाँ पर कैटेगरी कौन सी, जनरल, ओबीसी या एसटी या एसटी, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। स्टेट विज द क्लास 10 पासिंग, और यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी होना चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग और स्कैनिंग फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम फोटो और सिग्नेचर की बात करते हैं, यहाँ पर फोटो रिसेंटली का यानी कि जल्द का ही होना चाहिए, जेपीजी या पीजेपी ईजी फॉर्मेट में, आपको यहाँ पर कम से कम आपको 100 KB के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर सिग्नेचर सॉरी यहाँ पर 50 KB के अंदर, और सिग्नेचर यहाँ पर 20 KB के ऊपर होना चाहिए यहाँ पर दिखा गया है। ग्रेड पे आपको इस तरह से होगा, जैसे A1 के लिए ग्रेड 10, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में 9.5, A2 9, इस तरह से आपको होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है सिलेक्शन का यहाँ पर मेथड है। अब चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाता हूँ कि स्टेट वाइज में कितने सीट कौन सी पोस्ट पर है, तो जैसे चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन रीड करके यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बिहार का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ, तो बिहार के लिए यहाँ पर इस पर आप देख पाएंगे कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे पोस्ट हैं, जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर इस पर आप जैसे ही कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर लिखा है जनरल के लिए आपको कितने पोस्ट हैं, या तो उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। अगर अगर आप यहाँ पर स्टेट वाइज सीट देखना चाहते हो, यहाँ पर स्टेट वाइज सभी सीट यहाँ पर दर्शाया गया है कितने सारे कौन से स्टेट में, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल इतने सारे सीट हैं, इतने सारे स्टेट के लिए, सभी स्टेट के लिए कितने सारे सीट हैं, इसमें आपको सभी जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर सभी का सीट दिया गया है, अपना वीडियो पॉज करके यहाँ से रीड कर सकते हैं कौन सी स्टेट में कितने सारे सीट हैं, तो इस तरह से अवेलेबल यहाँ पर सीट है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर मन में किसी भी तरह का सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ऑनलाइन करने के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको लिए ऑनलाइन एक करने का वीडियो स्पेशल बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।